व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र का। तो इसके अंदर पहले आता है व्यष्टि। व्यष्टि क्या है? ये व्यष्टि अर्थशास्त्र बात इसी की आती है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र एक व्यक्ति एक उपभोक्ता एक फार्म या एक उत्पादकता जैसी इकाइयों का अध्ययन करता है। तो अब आपको बताता हूं इस व्यष्टि के बारे में। तो व्यष्टि क्या होती है कि एक व्यक्ति एक उपभोक्ता एक फार्म एक उत्पादक या एक निम्न छोटी जैसी इकाई जो होती है उनका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र कहता है। यानी कि छोटे क्षेत्र का मान लो या फिर एक व्यक्ति है एक फार्म या एक किसी चीज का उद्देश्य जो होता है उसके ऊपर हम व्यष्टि अर्थशास्त्र की अध्ययन किया जाता है। दूसरा आता है हमारा समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता। तो मैं बताता हूं कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या था कि एक उपभोक्ता एक उत्पादकता एक फार्म या फिर एक छोटी सी इकाई को लेकर अध्ययन किया जाता है। और ऐसे ही हमारा समष्टि अर्थशास्त्र में होता है कि समष्टि अर्थशास्त्र में एक संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक समस्याओं का अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। तो यह था हमारी खाली इंट्रोडक्शन की व्यष्टि और समष्टि जो हमारे अर्थशास्त्र की फर्स्ट बुक चलेगी उसमें व्यष्टि और समष्टि क्या है इंट्रोडक्शन था हमारे इस बुक का। ये जो हमारी दोनों बुकें हैं जिनका नाम पहले का नाम है व्यष्टि माइक्रो और सेकेंड का नाम है समष्टि यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो उन दोनों के बारे में आज इसके अंदर आप वीडियो के अंदर हमने आपको दिखाया है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है और समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। तो इंट्रोडक्शन यहीं पे खत्म होता है इसका व्यष्टि और समष्टि का। और आपको नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है अर्थव्यवस्था वाला व्यष्टि का वो फर्स्ट चैप्टर हम आपको कल इस अगली वीडियो में हम अपने अगली वीडियो में इस जो बुक आ रही है हमारी व्यष्टि अर्थशास्त्र की फर्स्ट चैप्टर